देश वर्तमान में एक भीषण त्रासदी से, मानवीय त्रासदी से गुजर रहा है। एक ऐसी स्थिति जिसे देश के प्रधानमंत्री बचा सकते थे देश को। 24 मार्च को लॉकडाउन के लिए गए निर्णय के पहले यदि मजदूरों को विकल्प दिया जाता, देशवासियों को ये विकल्प दिया जाता कि वो अपने घरों को जाना चाहें तो जा सकते हैं, यदि ये ट्रेनें उनके लिए पहले उपलब्ध करा दी जाती, पहले लॉकडाउन के बाद भी, तो आज की ये स्थिति नहीं बनती। लोगों को मजबूर होके पैदल नहीं चलना पड़ता, लोगों के पाँव में छाले नहीं पड़ते, उनके पाँव नहीं फटते, अनेकों लोगों की मृत्यु नहीं होती। आज जिस तरह से देश में व्यवस्था बनाई जा रही है, ये दुर्भाग्य है कि 40 ट्रेनें जिस स्थान से निकली जहां जाने के लिए वो दूसरे स्थान पे पहुंच जा रही हैं। ऐसा चल रहा है हमारा देश, ऐसे चला रहे हैं इस देश को हमारे प्रधानमंत्री। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया जी के तरफ से पहल करने की आवश्यकता पड़ी, तब जाके इन मजबूर देश के नागरिकों को बिना पैसा लिए ट्रेनों में भेजने का क्रम चालू हुआ। प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश में लोगों को खाने खिलाने का निर्णय लिया और आज पूरे देश में समाज सेवी सामने आए और लोगों को इस भीषण त्रासदी में सहयोग कर रहे हैं। राहुल जी ने किसानों के हाथ में पैसा देने का जो आग्रह किया, आज उस व्यवस्था के लिए हम मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में अनेकों निर्णय लिए गए हैं, जैसे किसान न्याय योजना का शुभारंभ, जिसके माध्यम से 1500 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक के खातों में जमा कर दिए गए हैं। इस योजना को आगे ले जाते हुए 1 करोड़ से ज्यादा रुपए ट्रेन के किराए के रूप में उपलब्ध कराया। जो अन्य राज्यों के श्रमिक छत्तीसगढ़ में फंस गए थे, उनको छत्तीसगढ़ की सरकार ने भरपूर ध्यान रख के भरपेट खाना खिलाया, उनकी देखभाल की, स्वास्थ्य की चिंता की। मनरेगा के माध्यम से देश में एक कीर्तिमान बनाते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार ने सर्वाधिक प्रतिशत मानव दिवस उपलब्ध कराए। आज संख्या में भी पूरे देश में उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़ी आबादी वाले राज्यों के तुलना में कुल मानव दिवस उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ का तीसरा गौरवशाली स्थान है। तो ये सारे पहल हमने छत्तीसगढ़ की सरकार के माध्यम से किए हैं। ये दुर्भाग्य है कि केंद्र की असंवेदनशील सरकार इस भीषण मानव त्रासदी में भी आम जनों की आवश्यकताओं को, उनकी जरूरतों को, उनकी देखभाल को अनसुना सा कर दे रही है। मैं भी अपनी ओर से ये मांग करता हूं कि सभी गरीब परिवारों को, 14 करोड़ परिवारों को तत्काल 10,000 रुपए, जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया जी ने मांग की है, मैं भी अपनी आवाज उस मांग के साथ जोड़ता हूं। छोटे व्यवसायियों को, दुकानदारों को लोन देने के स्थान पर सीधे ये राशि उनको सहयोग के रूप में उपलब्ध कराई जाए। वो बेचारे गरीब मजदूर जो घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, निशुल्क उनके आने जाने और खाने की संपूर्ण व्यवस्था केंद्र सरकार करे और हर परिवार को कम से कम 200 दिन का मनरेगा के माध्यम से मांग करने पर मजदूरी उपलब्ध कराने का निर्णय केंद्र सरकार तत्काल करे। इन बातों के साथ भारतवासी होने के नाते मैं भी अपनी आवाज हमारे देश के उन गरीबों को उनके भीषण त्रासदी के समय अपनी आवाज उनकी मांग के साथ, उनकी आवश्यकता के साथ जोड़ता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं
दखल न्यूज़।